फ्रेंड, आज की वीडियो में आप देखेंगे भरुआ करेले की रेसिपी, और ये रेसिपी कैसे मैंने बनाई इसको देखने के लिए आप फुली वीडियो अच्छे से वॉच कीजिए। भरुआ करेला बनाने के लिए मैंने सबसे पहले लिया है ये करेला, ये 6 करेले हैं मेरे पास, जिसमें छोटे बड़े दोनों साइज के हैं। और मैंने ये प्याज, अदरक, लहसुन और मिर्ची का जो है ये फाइनली चॉप कर लिया है मैंने, इसको खूब अच्छे से चॉपर से चॉप कर लिया है मैंने। इसको पीसना नहीं है, पीसने पे प्याज जो है वो पानी छोड़ देगा तो फिर वो बहुत ऐसे हो जाएगा, उसको पीसना नहीं है। और मैंने ये ले लिया है धनिया और मिर्ची, इसमें पीसी हुई है धनिया मिर्ची, तो मैंने इसको क्या किया है भून के और पीस के रख लिया है, ये डालूंगी मैं। और उसके बाद ये है मेरे पास सौंफ, मंगरेल, अजवाइन, जीरा, सब कुछ पीस के और भून के और मैंने इसमें पीस लिया है। इसको मैं सिर्फ अचार में, जैसे मिर्ची का अचार या किसी चीज़ का अचार बनाती हूँ तो डालती हूँ, या तो मैं जब भरवा बनाती हूँ फिर डालती हूँ। और खट्टे के लिए मैंने लिया है ये अचार का मसाला, आप नींबू भी डाल सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा हो वो डाल सकते हैं। और ये मैंने अचार का ही तेल ले लिया है, देखो ये सरसों का तेल है और अचार का है, इसको डालने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। आप लोग नॉर्मल भी मस्टर्ड ऑयल यूज कर सकती हो जैसी आपकी इच्छा, और नमक तो पड़ता ही है तो ये है नमक। चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये हम लेंगे ये अदरक लहसुन और मिर्ची प्याज सबका पेस्ट लेके, इसमें मैं डालूंगी ये अचार का मसाला जो है, इसको मैं मिक्स कर लूंगी इसमें। मैंने मिक्स कर लिया और इसी से एक चम्मच मैं लूंगी इसमें ये मसाले, ये एक चम्मच ये मसाले ले लिया हमने, इसमें ये मिक्स कर लिया। एक चम्मच से कम मैं इसको ले लूंगी, इसको लेके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये तेल हम, ये तेल भी आधा डाल देंगे, पूरा नहीं डालेंगे, आधा। करेले हमने धो के, और देखो ये इस तरीके से कर लिया है, ये पका हुआ था, इसके अंदर का जो बीज है वो हमने ऐसे निकाल दिया है, ऐसे सब करेलों का देखो इसके अंदर का बीज हमने निकाल दिया, तो इसमें हम भरना शुरू करेंगे। इसको ऐसे करके और दबा दबा के भर लेंगे। इसी तरीके से हम सारे करेले अपने भर लेंगे। सारे करेले हमारे भर के रेडी हो गए हैं, अब इनको हम चढ़ाते हैं गैस पे। यहाँ पर कढ़ाई में मैंने सरसों का तेल ले लिया है, और आप जिसका भी तेल आप चाहते हो वो ले लो। और अब मैं इसको थोड़ा सा हल्का सा गर्म करके फिर ये अपने जो करेले हैं इनको इनमें रखती हूँ। देखिए फ्रेंड, मैंने सारे करेले रख दिए हैं, और इनको आप ध्यान रखना है कि ये जो भरे हुए हैं इनको हमें ऊपर करके रखना है, और स्लो स्लो फ्लेम पे हमें करना है इसको,
मीडियम मीडियम में स्लो फ्लेम पे रखना है इसको, क्योंकि ज़्यादा तेज करेंगे तो जल जाएंगे ये। और इसी तरीके से पका लेना। बीच में हमको इसको उलट पुलट भी करना है, लेकिन ध्यान से ये मसाले हमारे बाहर ना निकल जाए, तो इसलिए हमें धीरे धीरे बहुत आसानी से इसको उलट पुलट करना है। तो चलो फिर दिखाती हूँ, अभी बीच में आपको दिखाती रहूँगी। अरे मुझे 5 से 7 मिनट हो गए हैं, तो थोड़ा सा हम चेक करते हैं। देखो आराम से बहुत केयरफुली थोड़ी देर और करती हूँ। ऐसे मुझे इनको उलट उलट करते रहना है, पूरा करें पूरा करें इनको ऐसे हमें उलट तैयार करते हैं। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल पर नए हो तो पक्का सब्सक्राइब कर बेल आइकन को